तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कौन सी रेसिपी, हम बनाएंगे कटहल के कोफ्ते। सभी लोगों ने खाए होंगे लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से अगर आप कटहल का कोफ्ता बनाएंगे तो फटाफट से 5 से 10 मिनट में आप ये सब्ज़ी तैयार कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कटहल अगर छिला हुआ कटा हुआ मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर शहर में ये सब कटहल कटा वगैरह नहीं मिलता है, काटना भी पड़ता है। तो आप इसको चाहते हैं कि इसका दूध, इसका मिल्क ना लगे आपके हाथों में, ताकि ये बहुत चिपचिपा होता दूध। तो आप क्या करें, सरसों का तेल हाथों में लगा लीजिए, कोई चिकनी चीज़ लगा लीजिए हाथों में, और लगा करके चाकू में लगा लें तेल, और उसके बाद में इस कटहल को छिलका निकाल दें और इस तरीके से पीसेस में आप इसे काट लें। इसके बाद कटहल को पानी से धो लेना है अच्छे से, ताकि इसमें धूल मिट्टी गंदगी कुछ भी हो सारा निकल जाए। और इसके बाद आप इसे कुकर में डाल दीजिए, ये देखिए कुकर में डाल रही हूँ मैं। और अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस कुकर में करीबन 1 कप पानी डालना है, 1 कप से बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें। 1/2 चम्मच नमक डाल दीजिए, और इसके बाद डालना है आपको हल्दी पाउडर। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर का डाल दिया है। अब इसके बाद में हम प्याज लेंगे, और कुकर को मैंने रख दिया है गैस पर, उस पर हम करीबन 1 सीटी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं उबालना है, 1 सीटी लगा करके इसको हमें बंद कर देना है कुकर को, और हमारा जो कटहल है उबल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 प्याज की गांठें ले ली है, 2 प्याज को मैंने काट लिया है, और हम लहसुन की 8 से 10 कली लहसुन ले लेंगे, और इसको भी हम मिक्सी के जार में डाल करके प्याज और लहसुन को हम पेस्ट बनाएंगे। लेकिन मिक्सी के जार में पहले प्याज लहसुन डाल दिया है, इसी में मैं नमक डाल दूंगी। नमक आपने स्वाद अनुसार डालना, क्योंकि कुकर में यानी कि कटहल जो वाला है उसमें भी नमक पड़ा है। अब इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच हल्दी पाउडर, सारी चीज़ों को डाल दिया है, और मैंने नमक भी इसमें डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच। ठीक है, आप अपने स्वाद अनुसार डालना। थोड़ा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लिया है, इसे हम करेंगे कटोरी में, और इसी मिक्सी के जार में हम डाल देंगे टमाटर कट करके, और टमाटर का भी हम पेस्ट बना लेंगे। वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर मैंने देखिए मसाला भी पीस लिया है, और मैंने ये टमाटर का पेस्ट भी बना लिया है। अब ये देखिए कटहल हमारा उबल चुका है, अब इसको हम क्या करेंगे, 1 कटोरे में निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीका है, मसाला मैंने इसलिए डाला है प्याज में, ये मसाला जब आप प्याज में साथ के साथ पीसोगे ना तो ये अच्छे से फूल जाता है, और इसका टेस्ट ही अलग टाइप से आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कटोरे में कटहल निकाल लिया है, तो ये गर्म है, तो मैंने 1 गिलास से इसको मैंने मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपको बारीक नहीं करना है। अब इसी में आपको डाल देना है बेसन, ठीक है, हम करीबन 3 चम्मच हम बेसन डाल देंगे, और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और भी बेसन डालेंगे। तो चलिए इसको हाथ से मिला रहे हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप चाहो तो चम्मच से भी मिला सकते हो। चलिए मुझे गर्म सा लग रहा है, और मैंने मिलाया तो मुझे बेसन भी कम लग रहा है, तो मैंने करीबन 2 चम्मच इसमें बेसन और डाल दिया है। अब इसको हम फिर से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें बेसन नहीं डालना है, आप देख सकते हैं मैं चम्मच से ही बेसन को डाल रही हूँ, तो लगभग 5 चम्मच इसमें बेसन हमारा लग चुका है, तो मुझे गर्म लग रहा था तो मैंने चम्मच से इसको चला दिया है। अब इसके बाद में इसी में हम डाल देंगे मसाला, जो पिसा हुआ मसाला है हम इसी में डाल देंगे, ये बहुत टेस्टी लगता है, इससे मसाला डालने से इसका स्वाद ही 2 गुना हो जाता है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम इसी से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में इसी में हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, आप चाहो तो धनिया को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है, और मैं हाथों से मिला दे रही हूँ क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। अब इसके हमें गोल गोल गोले टाइप के, ये देखिए इस तरीके से गोला टाइप का आपको बना लेना है, यानी कि बॉल टाइप का आपको बना लेना है। अब आप इसके बॉल छोटे या बड़े अपने मन मुताबिक साइज इसका बना लीजिए, मैं छोटे भी आपको बना करके दिखाऊंगी, और बड़ा भी मैंने बना करके दिखा दिया है। यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, जब तेल हमारा गर्म हो जाए इसमें, और गर्म होने के बाद हमें क्या करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है कि तेल से धुआं निकलने लगे तब आप इसको पकौड़ों को डालें, नहीं, जब ये हल्का सा तेल गर्म हो जाए तो इसी टाइम पे आपको क्या करना है, इन कोफ्तों को डाल देना है। अब इसे हमें करना है फ्राई, तो ये देखिए इस तरीके से बड़े आराम से ये बन जाता है, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा बड़ा साइज बनाया है, आप चाहो तो छोटा साइज भी बना सकते हो। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, उलट पलट करके इसको हम फ्राई कर लेंगे तेल में, बहुत टेस्टी बनता है, एक बार बना करके इस कटहल के कोफ्ते को ज़रूर देखना, ये देखिए। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नम्रता भदौरिया फूड चैनल को, तो चलिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी नई नई वीडियो को आप देख सकेंगे, नई नई रेसिपी को आप देख सकेंगे। मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी मिलेगी और आसान तरीका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए
यहाँ पे हमारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो ये मैंने बड़ा साइज बना करके आपको दिखा दिया है। अब आप छोटो साइज में किस तरीके से बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बॉल बना करके इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप छोटा साइज बड़ा साइज जैसा भी मन हो आप बना सकते हो। तो चलिए इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और ये हमारे कोफ्ते बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। कटहल को आप कई तरीके से आप सब्ज़ी बना सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिलेगी वीडियो। तो ये भी हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे से, यानी कि कोफ्ते बड़े छोटे साइज में फ्राई हो चुके हैं। अब एक चमचा तेल मैंने इसमें कढ़ाई में छोड़ा है और अब इस तेल को हम क्या करेंगे, लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में डालेंगे हींग और जीरा। तो मैंने करीबन आधा छोटा चम्मच हींग डाल दिया, यानी कि आधा टी स्पून हींग डाल दिया, आधा चम्मच जीरा डाल दिया, इसको तड़कने दिया है। और अब इसके बाद में इसमें मैं सारे मसाले जो मैंने मसाला पीसा था वो मसाला मैंने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे बिल्कुल धीमी आँच में। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से, यानी कि मसाला को तब तक भूनेंगे जब ये मसाला तेल छोड़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप सब्ज़ी टाइम देके बनाओगे तो सब्ज़ी बहुत अच्छी सौंधी सौंधी बनेगी, ठीक है ना। अगर आप जल्दबाजी में सब्ज़ी बनाओगे तो वही सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, धीमी आंच, गैस की धीमी आंच करके और मैंने ढक्कन को ढक दिया था ताकि ये मसाला हमारा अच्छे से भून सके। तो चलिए इसको मैंने ढक करके करीबन 2 मिनट के लिए पका लिया था और 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाला भी हमारा भून चुका है और मसाला हमारा तेल भी छोड़ चुका है। और मैं सच बताऊँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कोफ्ता बहुत अच्छा बना था। तो चलिए मसाले हमारे पक चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे ये पिसा हुआ टमाटर, यानी कि टमाटर का पेस्ट, और इसको भी हम करीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि टमाटर को हम पहले भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं, जब आप मसाले को पहले भून लेंगे और उसके बाद टमाटर डालेंगे तो टेस्ट में बहुत अंतर हो जाता है। सब्ज़ी किसी भी प्रकार से बनाओ और अगर आपने थोड़ा सा ही डिफरेंस में बना दिया सब्ज़ी को, उसी में इसका सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम करीबन 3 गिलास डाल देंगे पानी, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक कोफ्ता को पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 गिलास डालिएगा, ठीक है, थोड़ा चला करके देख लेना। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पहले पानी डाल दिया है और अब मुझे कम लगा है तो मैंने 1 गिलास पानी इसमें और ज़्यादा ऐड कर दिया है, यानी करीबन 3 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें मैगी मसाला, ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहो तो 1 पैकेट यहाँ से, यानी कि ऊपर से इसमें मैगी मसाला डाल दीजिए। अगर आप मसाले में भूनते समय डालोगे इसको तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन अगर ऊपर से आप इस तरीके से डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने मैगी मसाला का 1 पूरा पैकेट डाल दिया है। अब इसमें सब्जी में उबाल आ गया है, ठीक है। उबाल आने के बाद में हम गैस का फ्लेम हल्का सा मीडियम कर देंगे, यानी कि हल्का सा स्लो कर देंगे और स्लो आंच पे हम सब्ज़ी को बनाएंगे। क्योंकि स्लो आंच पे अगर आप सब्ज़ी बनाओगे तो इतना अच्छा ये खोलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसमें आ गया था उबाल और मैंने इसे करीबन 2 मिनट से 3 मिनट तक इसको पका लिया था धीमी आंच में। तो अभी हमारा कोफ्ता तैयार नहीं है, तो मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया था और इसके बाद मैंने कोफ्तों को डाल दिया था इसी में ताकि कोफ्ते भी हमारे इसमें सॉफ्ट आ सकें। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसे करीबन 5 से 6 मिनट इसको और पकाया था और अब आप देख सकते हैं कोफ्ता हमारे तैयार है। और इसकी जो तरी है, जो इसकी जो रस्सा है, इसको आपको थोड़ा पतला ही रखना है क्योंकि जब आप इसको रखोगे, रखने के बाद में और ये थिक हो जाएगा, यानी सब्ज़ी आपकी गाढ़ी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आ चुका है और इसे मैंने करीबन 5 से 6 मिनट इसको पका लिया था। तो कुल मिला के 15 मिनट में आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए। इसमें मैंने डाल दिया है हरा कटा हुआ धनिया। अब आप इसे रोटी के साथ, आप चावल के साथ में, पराठा के साथ में, जिसके साथ भी पसंद आए उसके साथ इसको खाइए, बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो इस तरीके से बनाइए, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें।